अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब प्रोफेसर चौधरी सादिक हुसैन शोबा उर्दू 13 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समनाबाद फैसलाबाद से। आपने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद 9 अक्टूबर 1985 को गवर्नमेंट कॉलेज जड़ावाला में बतौर ढाक लेक्चरर उर्दू ज्वाइन किया। 13 मई 1987 को आपको परमानेंट जॉब मिली और उसी कॉलेज में फिर आपने ज्वाइन किया। वहाँ आप 8 मई 1994 तक रहे, फिर 9 मई 1994 को गवर्नमेंट म्यूनिसिपल डिग्री कॉलेज जड़ावाला रोड फैसलाबाद में ट्रांसफर हुई। 19 जुलाई 2004 को असिस्टेंट प्रोफेसर बने और फिर उसी कॉलेज में ज्वाइन किया। 19 मई 2015 को एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ उर्दू बने, फिर गवर्नमेंट बोस ग्रेजुएट कॉलेज समनाबाद फैसलाबाद में ज्वाइन किया। हम जनाब प्रोफेसर सादिक हुसैन साहब से इनके सर्विस के बारे में पूछते हैं के 3 कॉलेजों में फैली हुई सर्विस, जिसमें जड़ावाला कॉलेज में 9 साल, म्यूनिसिपल डिग्री कॉलेज में 21 साल और गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समनाबाद में 5 साल, आप क्या महसूस करते हैं इन तीनों इदारों में सर्विस के बाद? मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समनाबाद में इल्मी और अदबी तकारीब जो है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा बाकी शोबों में भी ये कॉलेज चूँकि शहर का सबसे बड़ा कॉलेज है और मुख्तलिफ यहाँ एम फिल भी होता है उर्दू में होता रहा है। इसके अलावा यहाँ तालीमी मयार जो है वो उन लिहाज से जो है वो काफ़ी जो है वो बेहतर है। गवर्नमेंट म्यूनिसिपल डिग्री कॉलेज में भी बहुत अच्छे लोग जो हैं वो मौजूद थे और वहाँ भी ये सारी तकरीबात जो है होती रही हैं। गवर्नमेंट कॉलेज जड़ावाला में रहा, वहाँ भी ये तकरीबात वगैरह जो हैं वो होती रही हैं, लेकिन फ़र्क यह डॉक्टर जमील साहब मेरे दोस्त थे, जब मैं यहाँ आया उन्होंने कहा कि आप इधर ही आ जाएं, इधर हम इस शोबे में एम फिल जो है वो चला रहे हैं, आप भी हमारे साथ होंगे तो ये इंशाल्लाह ये शोबा जो है वो तरक्की करेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं फिर इधर आ गया और लिहाजा मैंने देखा कि ये कॉलेज जो है वो इंशाल्लाह किसी दिन यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी जो है वो बनेगा, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो एक यूनिवर्सिटी के लिए लाजमी मंजूर होती है।